पूरे मुंबई शहर में जो म्हाड़ा की वसाहत है वहाँ पर सरकार का नियम पहले से ही था कि 20 साल तक कोई बेच नहीं सकता और कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन 20 साल होने के बाद में फिर ट्रांसफ़र चार्ज लेकर लोगों के नाम पर घर करने का ये प्रोसेस चालू था, लेकिन 2013 से ये प्रोसेस कोई कारण से बंद था और लोगों को घर लेने के बाद में 6% रजिस्ट्रेशन चार्ज भरने के बाद में भी म्हाड़ा के माध्यम से नाम पर नहीं होता था, एक लोगों के मन में चिंता का विषय बना हुआ था। वो विषय को हमारे म्हाड़ा के चेयरमैन मधु चव्हाण जी ने बार बार मेहनत करके मीटिंग लेकर उसका अंतिम निर्णय तक उन्होंने पहुंचाया है, इसलिए यहाँ के लोगों ने आज उनका एक भव्य सत्कार का कार्यक्रम रखा था। मुझे बहुत खुशी हुई, एक सांसद के नाते एक सार्वजनिक जीवन में जब हम लोग काम करते थे लोग उसका कितना अच्छी तरह से प्रतिसाद देते, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने आकर उनका सत्कार किया और ये फिर चारकोप के लोगों का ही समस्या दूर नहीं हुआ तो सारे मुंबई शहर के लोगों का हुआ है, इसलिए सांसद के नाते मैं मधु जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।